सीएम योगी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र करेंगे हवाई सर्वेक्षण, गोला और सहजनवा तहसील क्षेत्र में। 26 अगस्त को लखनऊ पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ राव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। रेजिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या जाएंगे राष्ट्रपति, लखनऊ के चारबाग स्टेशन से सुबह 9 में रामलला के दर्शन करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 से 8 तक की कक्षा है, हालांकि ये कक्षाएं 4-4 घंटे की 2 शिफ्ट में की जाएंगी। गाजियाबाद में 6 क्लास में हैं बच्चे, जब स्कूल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि घर पर रहकर लंबे समय से अपने स्कूल फ्रेंड्स को मिस कर। शिक्षक दिवस पर बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को नहीं करेगा सम्मान, कोरोना के स्कूलों के ज्यादातर बंद रहने के चलते सरकार ने लिया फैसला, पिछले वर्ष भी नहीं हुआ था शिक्षक सम्मान समारोह। बंदा कोरोना का एक भी केस, बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण 0 रहा, लखनऊ में अब 26 सक्रिय केस रह गए। आगरा छत गिरने से हुआ बड़ा हादसा, हादसे में 12 लोग घायल, 2 की हुई मौत, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। छत गिरने से हुए हादसे के मामले में मकान मालिक और ऑर्गेनाइजर के खिलाफ मुकदमा होगा दर्ज, प्रोटोकॉल समेत कई धाराओं में मुकदमा, सीओ सदर ने की कार्रवाई की पुष्टि। कौशाम्बी जिले में डायरिया ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है, मुख्यालय से मैं 7 किलोमीटर दूर गांव में कुएं का गंदा पानी पीने से डायरिया। रामपुर में दानापुर आनंद बिहार ट्रेन की चेन पुलिंग, रामपुर जंक्शन ट्रेन रामपुर से दिल्ली के लिए रवाना। कानपुर में जीत में सवार हुए सिपाहियों को पीटकर बदमाशों ने बाहर फेंक दिया की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, तालकटोरा इलाके की घटना, पुलिस मामी। ग्रेटर नोएडा में तेंदुआ आने से हड़कंप मच गया, डर से ग्रामीणों में डर का माहौल, घरों में कैद हुए ग्रामीण, सादुल्लापुर वैदपुरा गांव के बीच में देखा गया तेंदुआ। राप्ती नदी में टूट गए वो तुरंत नदी कूद कर लिया, जाके ग्राम वर्षीय बच्ची के द्वारा एक 4 वर्षीय बच्ची मौके पर मौत हो गई। गाजियाबाद में 2 के आज झगड़े की अस्पताल ले जाते वक्त 1 की मौत, मामले की जांच जुटी पुलिस। इटावा में 4 अपराधियों से अभिषेक उर्फ टाइगर पुलिस मुठभेड़ में हुआ खायल। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज फिर पेट्रोल के दामों में बदलाव हुआ और जनता को राहत मिली है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम मीटिंग बुलाई है, इस मीटिंग में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर चर्चा होगी, साथ ही महामारी से निपटने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का रिव्यू। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद सामने आए संकट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ अफगानिस्तान के हालात पर बातचीत की, व्हाइट हाउस में ये जानकारी दी है। आज होने वाली G7 की वर्चुअल मीटिंग के होस्ट जो बाइडेन ही हैं, इस दौरान अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा होनी है। G7 की यह बैठक बुलाने की मांग ब्रिटेन की ओर से की गई। ओलंपिक के बाद अब सभी की निगाहें टोक्यो में होने वाले पैरालंपिक खेलों पर लगी है, इन खेलों में भाग लेने वाले विशेष क्षमता वाले खिलाड़ी अपने जज्बे और संकल्प से बड़ी प्रेरणा के सबक हैं।